जी प्रणाम। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अज्ञानतावश मैंने भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति को चुरा लिया था। जब से मूर्ति को चुराया तब से बुरे सपने आ रहे हैं। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है। थोड़े पैसों के लिए मैंने बहुत गंदा काम किया है। मैंने मूर्ति बेचने के लिए उसके साथ काफी छेड़छाड़ की है। अपनी गलती की माफी मांगते हुए मैं मूर्ति को रख कर जा रहा हूँ। विनती करता हूँ कि मेरी गलती को माफ करते हुए भगवान को फिर से मंदिर में रखवा दिया जाए। पहचान छिपाने के लिए पॉलिश कराकर उसका आकार बदल दिया है। महाराज जी हमारे बाल बच्चों को क्षमा करते हुए अपनी मूर्ति स्वीकार करें। ये पत्र और शब्द उस चोर के हैं जिसने भगवान कृष्ण की मूर्ति को मंदिर से चुरा लिया था। चोर मूर्ति तो ले गया लेकिन मार्केट में सौदा करने से पहले ही उसके जीवन में तबाही शुरू हो गई। उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी जिसके बाद वो बेहद डर गया और फिर उसने अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए ये रास्ता अख्तियार किया। मामला यूपी के प्रयागराज से सामने आया है। प्रयागराज के श्रृंगवेर पीर के गौघाट आश्रम मंदिर से 100 साल पुरानी राधा कृष्ण की अष्ट धातु की मूर्ति 8 दिन पहले चोरी हो गई थी, लेकिन 8 दिन बाद अचानक मूर्ति हाईवे के पास सर्विस रोड के बगल से बरामद हुई। इस मूर्ति के साथ पुलिस को एक चिट्ठी भी मिली। ये चिट्ठी चोर का माफीनामा था जिसमें चोर ने अपने किए पर पछतावा जाहिर करते हुए लिखा है कि जब उसने ये मूर्ति चुराई है तब से उसकी तबाही शुरू हो गई है, बुरे सपने आ रहे हैं, बेटे की तबीयत खराब हो गई है। मतलब भगवान ने उसका हिसाब ऑन द स्पॉट कर दिया है। आज अभी प्राप्त हो गए, जिन दुष्टों ने एक कुकृत्य किया, भगवान राधा कृष्ण की चोरी किया, वो पागल हो गए और ला करके गौघाट आश्रम में जा गए। अब मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, हमारा हृदय बहुत खुशी है। साथ एक पत्र भी दिया है, वो कह रहा है कि मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। मेरे घर के लोग बाल बच्चे वृद्ध सब पागल हो गए हैं और मैं ला करके मूर्ति समर्पित कर दिया हूँ, मुझे क्षमा करें। क्षमा याचना वो चाहता है अपराधी। भगवान हमारे राधा कृष्ण मुझे प्राप्त हो गए, अब उनको धन्य परमात्मा दे। मैं उनके सुख की कामना करता हूँ, उनका कल्याण हो, उनकी उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। भगवान मुझे प्राप्त हो गए, मैं बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ। दरअसल खालसा आश्रम के मंदिर से राधा कृष्ण की अष्ट धातु से बनी मूर्ति 23 सितंबर की देर रात चोरी हो गई थी। आश्रम के महंत स्वामी जयराम दास महाराज की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध केस लिखकर जांच की, लेकिन चोरों का पता नहीं लग पा रहा था। ये मूर्ति श्रृंगेश्वर धाम के गौघाट आश्रम स्थित राम जानकी मंदिर का ताला तोड़कर चोर ले भागा था। अष्ट धातु की ये मूर्ति 100 साल पुरानी है। इस मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया था लेकिन कोई सुराग न मिल सका। महंत ने मूर्ति के वियोग में अन्न जल त्याग दिया था, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। मंगलवार को सुबह करीब 11:30 बजे हांडिया कोकराज के सर्विस मार्ग पर किसी ने इस मूर्ति को देखा और इसकी जानकारी उसने आश्रम के महंत को दी। साथ ही पुलिस को भी बुलाया गया तो पता चला कि पुलिस को एक लेटर मिला था। इसमें चोर ने पश्चाताप करने के साथ माफी मांगी थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस चोर को खोजने की है जिसने इतनी कीमती मूर्ति को मंदिर से ताला तोड़कर चुरा लिया था। फिलहाल प्रयागराज में मूर्ति चोरी की इस अनोखी घटना को लेकर आपका व्यू पॉइंट क्या है, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश से यूं ही जुड़े रहें।